असलम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गजरेला बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिससे आपका गजरेला बहुत ही क्रीमी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमने आधा किलो गाजरे ले ली हैं उनको छील कर हम अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे मीन वाल हमने अपना डेढ़ किलो दूध लेकर उसको बॉयल होने रख देना है जब दूध में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट ने इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है हमारी पिसी हुई इलायची एक से दो मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि जो हमारा इलायची का फ्लेवर है वो दूध में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए देखिए मैंने अपने चॉपर के अंदर इसको कद्दूकश कर लिया है आप चाहें तो इसको किसी और कद्दूकश से भी मैनुअली भी आ, कर सकते हैं उसके बाद इस गाजरों को हम ऐड कर देंगे अपने दूध के अंदर एंड लेट इट कुक और उसके बाद हमने वन थर्ड कप चावल लेकर उनको अच्छे से धोकर और भिगो कर रख दिया था उसको हमने ग्राइंड करके ऐड कर दिया आप चाहो तो बगैर ग्राइंड किए भी ऐड कर सकते हो उससे टेक्सचर थोड़ा सा इसका दानेदार सा आएगा मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके ऐड कर दिया उसके बाद हमने इसको अच्छे से पकड़ने देना है जब तक कि इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता उबाल आने के बाद हमने यहाँ पर लिड को कवर कर देना है और इसको फ्लेम को बिल्कुल लो करके आधे घंटे तक पकाना है ताकि जो हमारी गाजरें हैं वो अच्छे से गल जाएं इन केस अगर आप नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ करें तो इसके रिड्यूस होने के बाद आपने बीच बीच में इसमें चम्मच जरूर चलाते रहना है वरना इसके अंदर चावल ऐड हैं वो नीचे लग जाएंगे और आपका गजरेला जल जाएगा अब आधा घंटा हो चुका है मुझे इसको बीच में चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी अब मैंने लेट को अनकवर किया और इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्सअप करते करते चला लिया है ताकि जो है हमारा गजरेला की कंसिस्टेंसी पता चल जाए ठीक होने तक पकाएंगे मुझे तकरीबन एक घंटा लगा था ऑन द होल इसको इस कंसिस्टेंसी तक लाने में अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की जब हम चीनी ऐड करेंगे तो ये मजीद पतला हो जाएगा यहाँ पे मैंने सवा कप चीनी ऐड कर लिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन सवा कप इज़ मोर देन अन बिल्कुल परफेक्ट रेशियो थी ये मीठे की अब इसको चीनी को डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे ताकि जो चीनी है वो इसके अंदर घुल जाए और अच्छे से मिक्सअप हो जाए यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और जब तक हमारी चीनी घुल रही है इनकेस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलिएगा तो चलिए हमारे यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी तो सी पतली हो चुकी है हम इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मजीद थिक हो जाएगा अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा पाव खोया या तीन से चार टेबल स्पून है ये खोए के इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सअप एक मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा जो खोया है वो अच्छे से इस गजरेले के अंदर डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने नट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं मैं यहाँ पर नारियल किशमिश बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक पकाएंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका फ़्लेवर भी अच्छे से आ जाए बस इसको हमने यहाँ पर पका कर और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको डिश आउट कर लेना है आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हो अब इसको गार्निश करें अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर मैं करना कुछ चाह रही थी बट हो कुछ गया बट इट्स ओके उसके बाद आपने इसके ऊपर खोया डाल देना है आप चाहो तो इसको गरम गरम सर्व करो चाहो तो ठंडा सर्व करो दोनों वेज में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा सी यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो टिल द टाइम अल्लाह हाफिज़